हेलो गाइज, वेलकम वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम व्लॉगिंग टूडे। यू कैन सी मैं थोड़ी सी पम्पकिन जैसे दिख रही हूँ, बट इट्स ओके, नेवर माइंड। तो आपने थंबनेल से देखा होगा एंड टाइटल से पढ़ लिया होगा व्हाट दिस वीडियो इज़ अबाउट। मैंने इसके पहले भी ये चीज़ की है जिसका मैंने व्लॉग डाला है ऑलरेडी, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आई एम गेटिंग माई टैटूज डन। सो ये मेरा थर्ड एंड फोर्थ टैटू है, मतलब लास्ट टाइम भी मैंने दो टैटू एक साथ करवाए थे, ये टाइम पे भी मैं दो टैटू एक साथ करवा रही हूँ। नॉट ओनली मी बट माई मदर ऑल्सो डिड अ टैटू। तो उसका फर्स्ट टाइम था एंड इट वॉज सेकेंड टाइम फॉर मी, सो आई वॉज रियली एक्साइटेड। बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने के बाद फाइनली एक डे हम लोगों ने डिसाइड करके टैटूज करवाने का सोच लिया। मुझे ऐसा कुछ करवाना था जिसका कुछ डीप मीनिंग हो। प्रीवियस टैटू में मैंने मेरे पेट्स के रिगार्डिंग एक टैटू करवाया था और एक मेरे नाम का मीनिंग जो होता है उसका करवाया था। इस टाइम मुझे कुछ ऐसा करवाना था जो मेरे पर्सनैलिटी को सूट करता हो। तो फर्स्ट टैटू था सन एंड मून का, तो उसका मीनिंग मैं इधर डाल दूंगी किधर, तो आपको दिख जाएगा फोटो में कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है सन एंड मून का साथ में टैटू करवाते टाइम। और वेव्स तो वो डिज़ाइन में था तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो ही डिज़ाइन पिक कर ली। तो एक वो है और सेकेंड टैटू मैंने बनवाया है, वो आप देखो आगे जाके। वो टैटू का पूरा प्रोसेस देखो, ये टाइम पेन थोड़ा ज़्यादा हुआ था लास्ट टाइम के कंपेयर में, बट येस। और मेरी मम्मी ने कौन सा टैटू करवाया है वो भी आपको आगे जाके पता चलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल्सो जो टैटू आर्टिस्ट है उसका सब इंस्टाग्राम लिंक विंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड इफ पॉसिबल मैं फ़ोन नंबर भी डाल दूंगी इनकेस अगर आपको करवाना हो टैटू, तो यू कैन गेट इन टच विथ हिम। या पूरा प्रोसेस देखो एंड मैं आपको पूरा आगे बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। बच्चा देता हूँ कह रही थी हैरन कहीं थी पूजा थे फोन किया तो पूजा थी इधर नहीं उधर उधर नहीं इधर प्रिंट टच करे तो कह रहे थे मुझे हर टाइम पास मयंक ना मनन 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 अच्छा अंत पहला मन मन क्यों थे उनके सर से कहें मन अच्छे को ना तो कोई है ना मनन नाम है मम्मी एक और टैटू करवाना एक और टैटू करवाना है टैटू ही टैटू उनकी प्रिंट कटे नहीं है तो वो कटे है पहला उनके करना था ना डिजाइन पहला मुझे तो टैटू पता नहीं है खबर पड़ती है फोटो वाला ओके करते हैं फोटो तो ही आते हैं ऊपर से हां ठीक है वॉइस ओवर कहीं ना करो कहीं तो आपने पूरा प्रोसेस देखा होगा, इट वाज वेरी पेनफुल। मेन तो जब मैंने ये यहाँ पे करवाया पहले तो प्रॉब्लम हुआ कि कौन सी जगह पे बनवाऊँ मैं टैटू, फर्स्ट वाज दैट। सेकंड वाज कि मेरा फर्स्ट और टैटू मैं फर्स्ट टू टैटू जहाँ बनवाया है वो
प्लेस ऐसी जगह पे बनवाया है कि मैं थर्ड टैटू जब ये वाला बनवाना था उसमें बहुत दिक्कत हुई कि मैं कहाँ बनाऊँ, क्योंकि कोई भी प्लेसिंग पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए हम लोगों ने पहले डिसाइड किया मम्मी का टैटू करवाना है। मम्मी का टैटू हम लोगों ने कुछ और डिज़ाइन सिलेक्ट किया था, बट लास्ट मोमेंट पे लकीली उसने बहुत दो तीन डिज़ाइन लाए थे, तो मेरी मम्मी ने वो डिज़ाइन हाथी वाला डिज़ाइन चूज़ किया जस्ट बिकॉज उसका फर्स्ट टैटू था। तो मुझे था ऐसे कि वो कुछ मीनिंगफुल या उसको जो अच्छा लगे वो करे, तो उसने वो टैटू निकाला। इट वॉज पेनफुल फॉर हर ऑल्सो। उसका टैटू जैसे ही ख़त्म हुआ इट टुक अराउंड 1-1.5 आवर फॉर हर टैटू आई गेस, या 2 घंटे लगे थे या 1 घंटे में हो चुका था, क्लियरली डोंट रिमेम्बर, बहुत टाइम हो गया उसको। इसलिए उसके लिए फर्स्ट टाइम था तो उसको भी पेन हुआ, थोड़ा सा ऐसा डिजीनेस फील हुआ। इनकेस अगर आपका फर्स्ट टैटू है, कुछ कुछ केस में ऐसे होता है कि चक्कर वगैरह आते हैं, बट सारे केस में नहीं होता है, मुझे नहीं आया था, आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरे टैटू के टाइम पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फर्स्ट तो उसको ट्रेस करना है कौन से लोकेशन पे बनाना है, क्योंकि बहुत सी लोकेशन पे वो अच्छा नहीं लग रहा था। सेकेंड था जो मैंने सेकेंड टैटू डिसाइड किया था वो कहाँ बनाऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डिवाइन लिखा है तो दूसरे साइड पे दूसरे हाथ पे सेम जगह में अगर कुछ वर्डिंग में लिखा हो तो अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसे उसका कहना था। तो हम लोगों ने सब ट्रेसिंग्स वगैरह किए कि कहाँ करवाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं। बहुत ज़्यादा चीज़ें करने के बाद जो इंचीज मैंने उसको बोले थे वो इंचीज में मेरे दोनों टैटू नहीं हुए, क्योंकि वो दोनों इंचीज को दोनों भी टैटू का जब ट्रेसिंग हुआ वो बहुत वियर्ड लग रहा था, बहुत छोटा ऐसा लग रहा था, बहुत घिचमिड हो चुका है। तो लकीली उसने एक थोड़ा सा बड़ा वाला भी लाया था प्रिंट, तो हम लोगों ने बड़ा वाला प्रिंट करके देखा हाथ पे। तो मैंने सन मून के लिए डिसाइड किया था 2.5 इंच में या 2.5 में हो जाना चाहिए, बट आई गेस इट टुक 3 इंच टोटल। तो या दिस इज हाउ इट लुक, सन मून एंड वेव। आई लाइक द टैटू क्योंकि वो मतलब एक डिजाइन काइंड ऑफ वाइब बहुत अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं सोच रही हूँ अगर मैं टैटू बनवाऊंगी अगर इन केस फ्यूचर में, तो मैं ऐसा ही कुछ डिजाइन वाला बनाऊंगी रादर देन लिखना, क्योंकि लिखने में इतना वो दिख के नहीं आता टैटू जितना डिजाइन में दिख के आया। तो दिस इज द थर्ड टैटू, सन मून एंड नीचे है वो वेव है, आई गेस आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। देन सेकेंड टैटू मेरा था वॉरियर बनवाना था, बिकॉज इतनी सारी चीज़ें हो रही थी और इतना, तो मुझे ऐसा था कि मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर या फिर जैसे मैं हैंडल कर रही हूँ समथिंग शुड बी रिलेटेड टू दैट। तो मैंने सेकेंड टैटू बनवाया नेम वॉरियर, तो वो हमने यहाँ पे ट्रेस किया। आर आइडिया वॉज टू ट्रेस बिहाइंड, बट वो बहुत वाहियात लग रहा था और दिख नहीं रहा था। और इसको भी हमने सोचा था 2 इंच के अंदर ही 1 या 1.5 इंच में करेंगे, बट वो बहुत छोटा और बहुत वियर्ड था, इसलिए हमने उसको भी थोड़ा सा 1/2 इंच बड़ा कर दिया। एंड दिस इज हाउ द सेकेंड टैटू लुक्स, वॉरियर लिखा हुआ। दोनों टैटू को अराउंड 3-4 आवर्स के आसपास लगे थे। द फिनिशिंग एंड ऑल वॉज डन बाई हिम। आई लाइक द ओवरऑल जो भी प्रोसेस था, थोड़ा सा पेनफुल था बोथ द साइड। जितना वॉरियर में पेन नहीं हुआ उतना सन एंड मून में ज़्यादा हुआ आई गेस, आई मस्ट से, या फिर वॉरियर में ज़्यादा हुआ, दोनों में भी पेन हुआ इस टाइम। एंड येस द ओवरऑल डिसीजन आई फील लाइक इट वॉज नाइस एक्सपीरियंस, एंड डिसीजन जो मैंने लिया वो भी अच्छा था क्योंकि मुझे करवाना था। एंड आई एम वेरी हैप्पी दिस टाइम के मैंने ऐसे कुछ डिजाइंस लिए हैं जो डिपिक्स माई सेल्फ। सो या टोटल आई हैव नाउ 4 टैटूज, 1, 2, 3 एंड योर 4। तो ये तो डिवाइन के ऊपर खाली था और हमने सोचा कहीं और कराएंगे, बट वो विचित्र लग रहा था इसलिए हम लोगों ने इधर ही किया। तो वैसे लग रहा है वो पूरा एक ही टैटू है, इसलिए वो अच्छा लग रहा है इसलिए इधर। आई मस्ट से द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वेर ऑल्सो वेरी नाइस, मतलब सब कुछ हाइजीनिक हुआ, एवरीथिंग वॉज गुड, ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा था। वो मेरे घर पे आके करके किया उसने टैटू, मतलब लास्ट टाइम भी वो मेरे घर पे आया था, इस टाइम भी वो मेरे घर पे आया था। सो या आई रिकमेंड कि यू इफ यू आर गेटिंग योर टैटूज फर्स्ट टैटू, या फिर आपने प्रीवियस टैटू में एक्सपीरियंस गंदा हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट हिम। सब क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट्स वगैरह डिजाइन आपको जैसे चाहिए वैसे मिलेंगे, एवरीथिंग वॉट यू फील यू विल गेट इन अ रीजनेबल रेट। सो या दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, ऑलमोस्ट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो ये, एंड आगे और भी फन वीडियोज, चैलेंज वीडियोज आने वाले हैं, स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड एक और वीडियो आएगा वेर आई एम टॉकिंग अबाउट स्टफ हैपनिंग इन माई लाइफ लेटली। सो आई होप आपको वो भी अच्छा लगा होगा। और फर्स्ट पार्ट ऑफ गेटिंग टैटू डन आई विल बी लिंकिंग डाउन इन द डिस्क्रिप्शन
do check that out, and I will see you in next video. Bye, and do subscribe to my channel. We are very, like, nearly close to 500 subscribers, so yeah, bye.